हेलो एवरीवन, माय सर जगन्नाथ। टुडे वी विल स्टडी अबाउट द फ्यूचर परफेक्ट टेंस इन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। लेट्स कम टू सी द स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव वॉइस। वी विल एक्सेल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड इन पैसिव वॉइस विल एक्सेल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। नाउ कम टू द सी द एग्जांपल। वी शैल हैव सेव्ड एनफ मनी बाय दैट टाइम। इसका हो जाएगा एनफ मनी विल हैव बीन सेव्ड बाय अस बाय दैट टाइम। यहां से हो जाएगा ये एनफ मनी से लिया जाएगा और ये बाकी आपका ये चला जाएगा ऑब्जेक्ट में। वी विल हैव पोस्टेड द लेटर। द लेटर विल हैव बीन पोस्टेड बाय हिम। The workman will have repaired the road। तो इसको यहाँ से लेंगे The road will have been repaired by the workman। The gardener will have planted trees। Trees will have been planted by the gardener। They will have sold all the books by 4 PM। All the books will have been sold by 4 PM by them। This was the structure of future perfect tense। I think you could understand it। If you like the video, like, comment, subscribe, press the bell icon। Thanks for watching the video।